हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है इस नए वीडियो में। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं आयुष्मान कार्ड। अगर आपने बनाया होगा, आपके पास नहीं है, डाउनलोड कैसे करेंगे? या तो रीडो के वाई सी, यानी आपका कोई गलती हो गया है उसमें बनाते इस वक्त, तो उसे शुद्धिकरण कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो वीडियो जो है वो लास्ट तक जरूर देखिए। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए, एक ब्राउजर ओपन करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे beneficiary.nhs.gov.in पे आएंगे। आने के बाद जो यहाँ पे एक मोबाइल नंबर को फिल करना है, यहाँ पे तो हमारा जो भी मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे फिल करते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे वेरीफाई वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है आपका जो मोबाइल नंबर यहाँ पे डाला होगा उस ऊपर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पे फिल करना है। तो उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करने के बाद जो है यहाँ पे एक कैप्चा दिया हुआ है, तो इस कैप्चा को आप फिल करेंगे। कैप्चा को फिल करने के बाद जो है यहाँ पे देखेंगे लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है, तो लॉगिन वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है अगला इंटरफेस जो है इस प्रकार खुल के आ जाएगा। आने के बाद जो है यहाँ से सबसे पहले आपको सेलेक्ट कर लेना है जिस भी स्टेट से, स्कीम में पीएमजेवाई रहने देना है। उसके बाद जो है स्टेट में जिस भी स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हैं उस स्टेट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। और सब स्कीम में भी यहाँ पे पीएमजेवाई रहने देना है। अगर आपका पीएमजेवाई में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे देखेंगे BOCW आ रहा है, तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अगर यहाँ पे देख सकते हैं सारा ऑप्शन दिया हुआ है, एक एक ही करके सर्च करेंगे तो किन्हीं में आपका नाम यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग कर रहे हैं। उसके बाद सर्च बाय में यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है फैमिली आईडी, आधार कार्ड, नेम, लोकेशन, PMJYD, जो भी आपके पास हो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। और उनका जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स नंबर को यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद जो है सर्च वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो अगला इंटरफेस जो है इस प्रकार खुल के आ जाता है। खुल के आने के बाद जो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे जो भी है इनका फैमिली में जितने भी नाम रहेंगे वो सभी का यहाँ पे नाम आ जाएगा। आने के बाद जो यहाँ पे जिनका भी यानी रीडो के वाई सी या कुछ गलत है या तो डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे देखेंगे डाउनलोड वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है सर्च रीडो के वाई सी या तो डाउनलोड कार्ड कार्ड डिलीवर। तो हमें रीडो के वाई सी करना है तो रीडो के वाई सी वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे इस प्रकार से आ जाएगा। आने के बाद जो है यहाँ पे देखेंगे ओटीपी के माध्यम से करना चाहते हैं या फिंगरप्रिंट के माध्यम से करना चाहते हैं या तो आईआरएस डिवाइस के माध्यम, जो भी करना चाहते हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो हम जो है ओटीपी के माध्यम से यहाँ से कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे वेरीफाई वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से टर्म एंड कंडीशन को एग्री कर अलाउ वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है सबसे पहले आपको यहाँ पे आधार का जो भी ओटीपी आया होगा उस ओटीपी को यहाँ पे आपको फिल करना है। तो आधार वाला ओटीपी हम यहाँ से फिल कर लेते हैं। उसके बाद जो है आप जिस भी मोबाइल नंबर से लॉगिन किए होंगे उस मोबाइल नंबर पर भी एक ओटीपी गया होगा, उस ओटीपी को भी यहाँ पे आपको फिल करना है। दोनों जो है ओटीपी डालने के बाद जो है इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाता है। आने के बाद जो है इसमें आप क्या चेंज करना चाहते हैं, जो भी चेंज करना चाहते हैं वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ से फोटो अपना चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से फोटो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप अगर मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डालकर वेरीफाई वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। फिर से आपका जो है मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को डालकर वेरीफाई करना है। उसके बाद जो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से जो भी डेट ऑफ बर्थ चेंज करना चाहते हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो यहाँ पे रिलेशन आपका यानी जिनका राशन कार्ड है उनसे आपका क्या रिलेशन है वो यहाँ पे दर्शा सकते हैं, जो भी रिलेशन है, या तो आपका पिन कोड जो भी यानी चेंज करना चाहते हैं यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद जो यहाँ पे देखेंगे सबमिट वाला ऑप्शन रहेगा, उस सबमिट वाले ऑप्शन पर यहाँ पे आपको फिल कर देना है। तो इस प्रकार से हमने जो है यहाँ पे फिल कर दिया है। इस प्रकार से फिल करने के बाद जो यहाँ पे
मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नो वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हट जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पे आपको एक फोटो अपलोड करना है, उसके बाद जो यहाँ पे सबमिट वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो यहाँ पे जो भी करेक्शन करना चाहते हैं रीडो KYC यहाँ पे सक्सेसफुल का यहाँ पे मैसेज आ जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, धन्यवाद।